बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जनरल साइंस क्लास, क्योंकि हमारी जनरल साइंस की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने यूनिट नंबर टू द सेंसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। यूनिट नंबर टू द सेंसेस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था द साइट एंड हियरिंग, ठीक है। थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि वी है फाइव सेंसेस, दीज आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। याद है आपको कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे कितने सेंसेस है, फाइव, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। फिर साइट में हमने क्या पढ़ा था कि वी सी विद आवर आईज, हम आंखों की मदद से देखते हैं। वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज, हम साइट और सेंस ऑफ साइट की हेल्प से ये भी देख सकते हैं कि कोई चीज हमारी कितनी करीब है या कितना वो कितना हमसे फार है, मतलब फार में दूर, एफ ए आर, फार दूर, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स, हम आईज की हेल्प से शेप्स को भी देख सकते हैं, कलर्स को भी देख सकते हैं। अगर किसी के आंख में कोई चीज चला जाए ना, तो वो फिर कलर्स को देख सकेगा या शेप्स वगैरह को देख सकेगा? नहीं। तो ये हमारी साइट जो है, ये सेंस और सेंस के लिए वो हम करते हैं, देखने के लिए हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें चीजें नजर आती है। वी सी मोर क्लियरली, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डे टाइम में हमें चीजें क्लियर नजर आती है और नाइट में हम प्रॉपरली नहीं देख सकते, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं होता, सन नहीं होता। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हियरिंग, हियरिंग में सुनना, वी हियर साउंड विद आवर इयर्स, इयर्स की हेल्प से हम सुनते हैं। यस, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हो, यू यूज योर इयर्स, दोनों इयर्स को आप यूज कर रहे हो, मेरी आवाज आपको आ रही है, ठीक है। सुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आवाजें सुनने के लिए हम यूज करते हैं ईयर। वी कैन हियर पीपल स्पीकिंग, हम स्पीकिंग में जब लोग बोलते हैं, हम बातें करते हैं तो हमें आवाज आती है, वी कैन हियर इट विद द हेल्प ऑफ और ईयर्स। फिर हमने ये भी कल पढ़ा था कि कुछ साउंड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं और कुछ साउंड मीन आवाज है, कुछ जो है सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट मीन मधुर, ठीक है। तो आज हम नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं स्मेल, ठीक है। स्मेल नंबर थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मेल, एस एम ई डबल एल, स्मेल। आपको स्क्रीन भी नजर आ रहा है, स्मेल, स्मेल मीन सूंघना, ठीक है। जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं, स्मेल मीन सूंघना, ठीक है। वी स्मेल विद और नोज, वी स्मेल विद और नोज, नोज की हेल्प से हम सूंघते हैं, मतलब चीजों स्मेल नोज की हेल्प से हम स्मेलिंग करते हैं, ठीक है, सूंघते हैं। समथिंग स्मेल प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन खुशगवार, मतलब प्यारा स्मेल जो होता है, जिस तरह परफ्यूम का स्मेल होता है, फ्लावर्स का जो स्मेल होता है, अभी बॉय जो है तो ये फ्लावर को स्मेल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हिज नोज, नोज की हेल्प से वो स्मेल कर रहा है, और ये कौन सा स्मेल है, ये है प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन प्यारा, खुशगवार, ठीक है। और कुछ स्मेल स्मेल्स ऐसी होती है जो कि अच्छी नहीं होती, जिस तरह वेन्स वगैरह का जो धुआं होता है, तो वो उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, उनको हम बैड स्मेल भी कहते हैं या अनप्लेजेंट स्मेल भी हम कहते हैं। वी स्मेल विद आवर नोज, नोज की हेल्प से हम क्या करेंगे, करते हैं स्मेल, जब हम स्कूल से घर जाते हैं और घर में बिरयानी वगैरह बनी होती है, तो हमें स्मेल आती है ना कि आज अम्मी ने जो है हमारे लिए बिरयानी वगैरह बनाई है, तो हम सूंघते हैं ना, स्मेलिंग करते हैं, तो किस चीज की हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ और नोज, नोज की, अगर किसी का नोज नजला जुकाम हो जाए तो फिर वो स्मेलिंग कर सकता है, आप लोग कर सकते हो, नो, क्योंकि हमारी नोज जो है फिर वो बंद होती है और हम फिर स्मेलिंग नहीं कर सकते। तो स्मेल के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करेंगे, जिस तरह हमने ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था कि हर अपना अलग अलग पार्ट होता है, और फिर हर एक पार्ट का अपना अलग अलग नेम है, और
हर एक पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है। तो इसी तरह आईज का काम है साइट, ईयर्स का काम है हियरिंग, नोज का काम है देखना, सॉरी नोज का काम है स्मेलिंग, ठीक है, नोज का क्या काम है, स्मेलिंग, सूंघना। तो वी स्मेल विद आवर नोज, सम स्मेल प्लेजेंट, कुछ स्मेल जो है वो प्लेजेंट होती है, जिस तरह ये बॉय है स्मेलिंग कर रहा है, और कुछ जो है वो अनप्लेजेंट होती है, ठीक है, जो अच्छी स्मेल नहीं होती, जो हमें बुरी लगती है, ठीक है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर है नंबर फोर है टेस्ट, नंबर फोर्थ है टेस्ट, टी ए एस टी ई, टी ए टे एस टेस्ट, टी ई टेस्ट, टेस्ट मीन जायका, टेस्ट मीन जायका, ठीक है। तो हम कौन से पार्ट की हेल्प से खाते हैं, वी ईट विद द हेल्प ऑफ और माउथ, माउथ की हेल्प से हम खाते हैं, लेकिन हमें जब टेस्ट का पता चलता है तो कौन सा ऑर्गन की हेल्प से हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ और टंग, ठीक है, टंग की हेल्प से हम जो है वो टेस्ट का पता हमें पता जो है हमें चलता है कि हम स्वीट खा रहे हैं या सोल्टी थिंग्स खा रहे हैं या सो या बिटर। यदि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है, टेस्ट की टेस्ट का जो मीनिंग है वो है जायका या चखना, ठीक है। वी टेस्ट थिंग्स विद और टंग, जिस तरह आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रहा है, तो कौन सी पार्ट की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं, वी टेस्ट थिंग्स, हम चीजों को चखते हैं या हमें जायका पता चल जाता है विद और टंग, ठीक है। अगर इस पिक्चर में हम देख लेना तो ये टंग का टंग को डिवाइड किया हुआ है इनटू फोर पार्ट्स, कितने पार्ट्स को में डिवाइड किया है, फोर पार्ट्स में। वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं स्वीट, स्वीट मीन मीठी, मीठी चीजों को हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, सॉर, सॉर मीन थ्रश, सॉर मीन एस ओ यू आर, सॉर, सॉर मीन थ्रश, बिटर, B-I-T-T-E-R, bitter, bitter means karwaro. कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कड़वी होते हैं। एंड सोल्टी फूड, सोल्टी फूड मीन नमकीन, जो है जिस तरह चिप्स वगैरह होते हैं ना, पोटेटो चिप्स वगैरह होते हैं, तो वो टेस्ट इनका किस तरह होता है, सोल्टी। अब टंग को देख ले कि जब हम मेडिसिन खाते हैं ना, तो टंग का जो लास्ट पार्ट है आपको नजर आ रहा है बिटर, तो हमें जब फील होता है कि मेडिसिन जो है तो वो बेटर है, कड़वा है, तो वो हल्की साथ जो लास्ट पार्ट है ना टंग का, तो उसकी हेल्प से हम हमें पता चल जाता है कि मेडिसिन जो है वो क्या है, बेटर, बेटर मीन कड़वा, ठीक है। तो मतलब ये है कि टंग का जो लास्ट पार्ट है, तो इसकी हेल्प से हमें बेटर चीजों का टेस्ट जो है वो हमें पता चल जाता है। फिर है सोर, सोर मीन थ्रश, सोर मीन थ्रश, ठीक है, सोर मीन थ्रश। ये जो टंग पिक्चर में आप देख ले, ये जो सर्कल को किया हुआ है ना बेटर की नीचे, बेटर की नीचे जब हम थोड़ा सा आगे आ जाए अपनी टंग की तरफ, तो हमें कौन सा टेस्ट फील हो जाता है, सोर, ठीक है, सोर मीन थ्रश। और ये कहाँ पे है ये टेस्ट बट कहाँ पे होंगे, एट साइड ऑफ टंग, टंग का जो साइड है ना, टंग जो साइड है, इन दोनों की हेल्प से हमें फील होता है। फिर है स्वीट, स्वीट टंग का जो टिप होता है, ये जो हमें इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट से पोर्स नजर आती है टंग के ऊपर, अगर आप मिरर में देख लेना तो इस बिल्कुल ये जो टिप है, तो इस टिप की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ये चीज जो है वो मीठी है, जिस तरह बिस्किट वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर स्वीट की ये टंग के ऊपर थोड़ा सा हम ऊपर चले जाए तो कौन से बर्ड्स होंगे, बर्ड्स फॉर सॉल्टी थिंग्स, ठीक है। जब हम कोई नमकीन चीजें खाते हैं तो हमें किस तरह पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें है, तो कौन से पार्ट से हमें पता चल जाएगा, टंग तो एक है बच्चे, टंग अगर आप पिक्चर को देख लें टंग एक है, लेकिन डिवाइड किया हुआ है इंटू फोर पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, फोर टेस्ट को डिवाइड किया हुआ है, स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट, स्वीट मीन मीठी चीजें, ठीक है, कौन सी चीजें, मीठी, सॉल्टी, एस ए एल, सॉल्ट, टी वाई टी, सॉल्टी,
ठीक है, सोल्टी, मेरे साथ रिपीट कर ले, सोल्टी, सोल्टी मीन नमकीन। फिर है सोर, SOUR, सोर, सोर मीन तुरुष, ठीक है, तुरुष चीजें, तुरुष का जो बर्ड बर्ड्स है ना, वो टंग की कौन सी साइड पे होगी, दोनों टंग की जो साइड से, तो उनकी हेल्प से हमें फील होगा कि हम सोर चीजें खा रही हैं, लाइक लेमन, ठीक है ना, हमारी मुंह में जब लेमन का कोई वो कहता है हमारे सामने ऑरेंज वगैरह रखते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो कहाँ से ये पानी निकलते है, एट द साइड ऑफ टंग, ठीक है, क्योंकि वहां के इसकी जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऑफ सोर, ठीक है। फिर लास्ट जो हल्के साथ जो है बिटर, बिटर, ठीक है, अगर पिक्चर को देख लें, अब ये स्वीट, स्वीट में मीठी चीजें, बॉयज ये बेबी इज ईटिंग बिस्किट या चॉकलेट, ठीक है, बॉय क्या कर रहा है, बिस्किट या चॉकलेट वो कर रहा है, यस ही इज ईटिंग चॉकलेट और बिस्किट, ठीक है, तो इसको कौन सी उसे फील होगा, एट द टिप ऑफ हिज टंग, ठीक है, कि वो मीठा मीठी चीजें खा रहा है। सेकंड, सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड जो है, फिर है सोर, ठीक है, फिर है सोर, सोर मीन तुरुष चीजें, फिर है सोर मीन तुरुष चीजें। अब इसमें जो है मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या है, लेमन वगैरह जब हम खाते तो वो कौन सी चीजें होगी, तुरुष, ठीक है, तो वो भी हम अटन की हेल्प से हमें फील होता है कि वी आर ईटिंग सॉर फूड, ठीक है। फिर है बिटन, फिर है बिटन, फिर है बिटन, ओके, ठीक है बच्चे, ये फॉर आपको मैंने बता दी, ये आपको मैंने फॉर बता दी, आप जो है लर्न कर ली, ओके, ये टू मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब है बिटन, पिक्चर को आप देख ले, ये मेडिसिन जो है आपको मैंने क्लियर कर लिया कि ये मेडिसिन जो है ये कड़वे होते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं खाते। फिर है सोल्टी थिंग, सोल्टी थिंग मीन नमकीन चीजें, जिस तरह पिक्चर में आप देख ले कि नमक जो है, तो ये क्या है, ये है नमकीन चीजें, पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है बच्चे, ये आप लोग लर्न कर ले, इंशाल्लाह कल मैं आपसे, कल इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगी कि हमने कितने वो कर लिए, वी लर्न फोर सेंसेस, नंबर फर्स्ट है साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, इंशाल्लाह कल लास्ट वन पढ़ेंगे टच, कल इंशाल्लाह टच पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लोग लर्न कर ली, सोर, बिटर, सोल्टी एंड स्वीट, टेस्ट, कल इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगी, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।